दोस्तों, इंडिया डेयरी फार्मिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम डेयरी से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जो कि सामान्य से सामान्य किसान से लेकर उद्यमी तक के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती हैं। तो आप इस चैनल को अभी यहाँ पर से या फिर यहाँ पर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में आप देसी नस्ल गिर तथा उसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। गिर भारत की एक प्रसिद्ध दुग्ध पशु नस्ल है। गिर नस्ल गुजरात राज्य के गिर वन क्षेत्र और महाराष्ट्र तथा राजस्थान के आसपास के जिलों में पाई जाती है। यह गाय अच्छी दुग्ध उत्पादकता के लिए जानी जाती है। आइए अब हम गिर गाय की शारीरिक विशेषताओं के बारे में जानते हैं। गिर गाय के शरीर का रंग सफेद, गहरे लाल या चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बों के साथ या कभी-कभी चमकदार लाल रंग में पाया जाता है। कान लंबे होते हैं और लटकते रहते हैं। गिर की सबसे अनूठी विशेषता उनके उत्तल माथे हैं, जो इनके माथे को तेज धूप से बचाते हैं। यह मध्यम से लेकर बड़े आकार में पाई जाती है। मादा गिर का औसतन वजन 385 किलोग्राम तथा इनकी ऊंचाई 130 सेंटीमीटर होती है, जबकि नर गिर का औसतन वजन 545 किलोग्राम तथा ऊंचाई 135 सेंटीमीटर होती है। इनके शरीर की त्वचा बहुत ही ढीली और लचीली होती है। सींग पीछे की ओर मुड़े रहते हैं। यह गाय अपनी अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी जानी जाती है। गिर अत्यधिक उपजाऊ नस्ल होती है, जो नियमित रूप से बछड़ा देती है। एक गिर पहली बार 3 साल की उम्र में बछड़ा देती है। गिर गायों में थन अच्छी तरह विकसित होते हैं। यह गाय प्रतिदिन 12 लीटर से अधिक दूध देती है। इसके दूध में 4.5% वसा की मात्रा होती है। गिर का एक स्तनपान में औसत दुग्ध उत्पादन 1590 किलोग्राम होता है। ये पशु विभिन्न जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं और गर्म स्थानों पर भी आसानी से रह सकते हैं। गिर गायें 12 से 15 साल तक जीवित रहते हैं और अपने पूरे जीवन काल में 6 से 12 बछड़ों का उत्पादन कर सकते हैं। भारत में आजकल लोग भैंस के दूध का अधिक उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब यह नस्ल भारत से विलुप्त होने के कगार पर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने गिर गाय तथा उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमेशा की तरह आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको डेयरी फार्मिंग से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।